यह कहानी है अत्यधिक जुनून, पागलपन, चलाकी और माफी की। वह 22 साल की घने काले बालों वाली खूबसूरत हसीना लिंडा रेस थी, जिसके पीछे उससे एक दशक बड़ा एक वकील बूटन पुगाश था, जो कीमती तोहफे, महंगी गाड़ियां और चमकती नाइट क्लब्स में लिंडा को अपने साथ ले जाते हुए अपने प्यार पर भरोसा दिलाने में कामयाब हो चुका था। लिंडा पोगश के साथ तब तक खुश थी जब तक वह यह नहीं जानती थी पोगश पहले से विवाहित एक बच्चे का पिता भी है। पोगश की सच्चाई जानते हुए लिंडा ने खुद को तुरंत पोगश से दूर कर लिया, पर लिंडा की यह दूरी ने पोगश को जिद, पागलपन और जुनून की हद में दाखिल कर दिया था। पोगश ने लिंडा को अपने साथ लाने बहुत मिन्नतें की, पर जब वो अपनी कोशिशों में असफल हो गया, उसने लिंडा को यह धमकी दे दिया, अगर वो पोगश की ना हुई तो पोगश उसे कभी किसी और का नहीं होने देगा और पोगश लिंडा को इस तरह से पा लेगा कि कोई दूसरा कभी लिंडा के साथ अपने साथ को नहीं जाएगा। इससे पहले लिंडा यह जान पाती कि पोगश की यह धमकी उसकी मोहब्बत नहीं बल्कि पोगश का लिंडा को हासिल करने का जिद, एक जुनून और बस एक पागलपन है कि तभी पोगश ने कुछ ठगों को $2,000 देकर लिंडा पर हमला करवाते हुए उसके चेहरे पर एसिड अटैक करवा दिया। लिंडा को एक आंखों से अंधा बनाते हुए उसका आजीवन कुरूपता में ढकेल दिया। पोगश के गुनाह ने उसे सलाखों के पीछे डाल दिया था, पर पोगश के पागलपन को सलाखों में बंद नहीं कर पाया। पोगश ने जेल से भी लिंडा को खत लिखना और उसके पास लौट आने की मिन्नतों को नहीं छोड़ा। 14 साल बाद पोगश जेल से सजा काट कर वापस लौट चुका था। तब तक लिंडा ने पोगश की मिन्नतों को स्वीकार कर लिया और महज 8 माह के अंदर पोगश से विवाह करके अपनी अंतिम सांस तक पोगश का साथ दिया। लिंडा का कहना था पोगश के साथ विवाह करना ही लिंडा के नजरों में पोगश की सजा थी। पर आपको क्या लगता है, अपने ही दुर्व्यवहारी के पास लौटना और उससे प्यार का रिश्ता कायम करना, यह क्या कोई सजा थी?